फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आनंद ज्ञान। फ्रेंड्स, आज बेसिक कंप्यूटर का ये वीडियो नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 है। यदि आप हमारे पार्ट नंबर 1 को नहीं देखे हैं और आप शुरू से कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम पार्ट 1 का लिंक दे दिए हैं, आप वहां से उस लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक कंप्यूटर का पार्ट नंबर 2 है जिसका इंट्रोडक्शन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। मतलब ये टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम या फीचर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का गुण, कंप्यूटर का चरित्र, कंप्यूटर सिस्टम का गुण और चरित्र। फ्रेंड्स, आपको हम ये बताना चाहते हैं, फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, आपको हम ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार हम लोग के पास गुण और अवगुण होता है, उसी प्रकार कंप्यूटर का कुछ जो है इंपॉर्टेंट गुण है और कुछ अवगुण भी होते हैं। ठीक है, तो लेकिन हर कोई आपको पता है कि सबसे ज्यादा वही याद रखता है किसका, किसी भी आदमी का, किसी भी पर्सन का कुल उसके गुण के बारे में ज्यादा याद रखता है। अच्छा कोई काम करता है, देखिए उसका नाम बहुत दिन तक रहता है। ठीक है, तो कंप्यूटर का कुछ इंपॉर्टेंट जो गुण है उसके बारे में हम लोग यहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला गुण जो होते हैं स्पीड होते हैं, पहला जो इसका गुण क्या है स्पीड है। दूसरा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है या एडवांटेज है या फीचर्स आप कह सकते हैं, वो एक्यूरेसी होता है। स्पीड के मतलब होता है बाबू तेज, स्पीड के मतलब तेज, और एक्यूरेसी के मतलब शुद्धता। फ्रेंड्स, एक्यूरेसी के मतलब शुद्धता। और थर्ड जो है वर्सेटिलिटी, वर्सेटिलिटी का मतलब होता है चंचलता, राइट। नेक्स्ट स्टोरेज, स्टोरेज के मतलब जानते हैं क्षमता, संग्रहण। और लास्ट जो हमारा है वो पांचवा, पांचवा जो आपका होता है क्या, डिलीजेंस। पांचवा क्या होते हैं, डिलीजेंस। पांचवा जो हमारा गुण है डिलीजेंस, डिलीजेंस के मतलब होता है परिश्रमी, मेहनती। ठीक है, आइए ये सारे गुण को हम लोग पूरे विस्तार में पढ़ेंगे, है ना। पांचवा नीचे छपा हुआ, ढका हुआ, हाइड है। ठीक है, अब हम लोग विस्तार से इसको एक बार पूरा पढ़ेंगे। आइए सबसे पहला हम लोग देखते हैं स्पीड। स्पीड का मतलब क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है कंप्यूटर जो बना है ना बहुत सोच समझ के बनाया गया है ना। और इसके पहले के वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में आपको बताए थे कि कंप्यूटर फादर ऑफ कंप्यूटर जो है कौन है, चार्ल्स ऑफ बेबेज है। स्पीड, कंप्यूटर का जो स्पीड होता है ना बहुत तेज होता है, राइट। हम लोग के तुलना में कंप्यूटर का स्पीड बहुत तेज होता है। द कंप्यूटर परफॉर्म वेरी फास्ट, पर कंप्यूटर बहुत तेज काम करता है। इट परफॉर्म कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन इन फ्यू सेकेंड, या जितना भी हार्ड से हार्ड, कड़ा से कड़ा प्रॉब्लम को यह कुछ ही सेकेंडों में, कुछ सेकेंड में, फ्यू के मतलब होता कुछ, फ्यू के मतलब क्या, कुछ, कुछ ही सेकेंडों में हल कर देता है। जितना इसको हार्ड प्रॉब्लम दीजिएगा यह तुरंत उसको क्या करता है, सॉल्यूशन कर देता है। दैट अ ह्यूमन बीइंग डज इन मेनी इयर्स, देखिए ये ह्यूमन बीइंग के तुलना में, ह्यूमन बीइंग के तुलना में मतलब मानव के तुलना में, हम लोग के तुलना में हम लोग उसी काम को कई साल लगा देते हैं, कई साल भी लगा सकते हैं, कई महीना लगाते हैं, लेकिन कंप्यूटर का इतना स्पीड है इसका गुण कि तुरंत कर देता है, जल्द ही कर देता है कोई भी काम को, इसीलिए तो कंप्यूटर बनाया गया। ठीक है, लेकिन पता है एक ही चीज इस सब कंप्यूटर के पास नहीं है ना, जो सोचने समझने की इसके पास कैपेसिटी कुछ है ही नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, इट प्रोसेसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स, यह जो प्रोसेस करता है ना, मतलब कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा गुण है कि वह एक सेकेंड में, प्रत्येक सेकेंड में मिलियन इंस्ट्रक्शन को हल कर सकता है। इंस्ट्रक्शन का मतलब निर्देश, ठीक है, इंस्ट्रक्शन का मतलब निर्देश है ना। तो इट प्रोसेसेस मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड,
या एक सेकेंड में या प्रत्येक सेकेंड में यह मिलियन इंस्ट्रक्शन को हल कर सकता है। इसके अंदर इतना तेज गुण होता है, ठीक है। तो ये था पहला गुण स्पीड। अब चलते हैं दूसरा गुण देखते हैं इसका कंप्यूटर क्या होता है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के मतलब शुद्धता। आपको बता दें कि कंप्यूटर जो है हमेशा 100% एक्यूरेसी देता है, मतलब कंप्यूटर जो हमेशा 100% ये शुद्ध देता है, ठीक है। हम लोग को अगर कोई क्वेश्चन पूछे, कुछ काम दे दे, कुछ ना कुछ गलती कर देंगे, लेकिन कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता है, वो 100% रिजल्ट देते हैं, ठीक है। इट नेवर कमिट्स अ मिस्टेक व्हाइल कैलकुलेटिंग, ये कभी भी गलती नहीं करता है। जब भी कैलकुलेट करता है तो कभी मिस्टेक नहीं करता, कभी गलती नहीं करता है, लेकिन हम लोग गलती कर देते हैं। यही तो अंतर है हम लोग को कंप्यूटर के बीच में। When the input data and the set of instructions they are correct, the result produced is accurate. जब हम लोग कंप्यूटर के अंदर अगर इनपुट ना सही डालेंगे ना, तो रिजल्ट भी हमको सही मिलेगा। जैसा इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देंगे वैसा ही रिजल्ट हम लोग को देगा। अगर हम लोग इनपुट ही गलत दिए, ठीक है, तो आउटपुट हम लोग को गलत देगा। इसलिए कंप्यूटर आप इतना ही जानिए कि दिमाग में एक ही बात याद रखिएगा कि कंप्यूटर हमेशा 100% रिजल्ट सही देता है, मतलब कंप्यूटर कभी गलत नहीं करता, राइट। तो कंप्यूटर का एक दूसरा गुण है, ठीक है ना। आपको यह समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और लाइक बटन को जरूर प्रेस करें, ठीक है। चलिए तीसरा गुण हम लोग देखते हैं, लार्ज मेमोरी। स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, कंप्यूटर के अंदर बहुत बड़ा मेमोरी होता है। जैसे हम लोग के पास मेमोरी होता है ना, माइंड में दिमाग होता है ना, उसी प्रकार कंप्यूटर के पास भी एक मेमोरी होता है जो कि लार्ज मेमोरी होता है, राइट। तो एक कंप्यूटर है जो लार्ज मेमोरी, कंप्यूटर के पास बहुत बड़ा मेमोरी होता है। It stores a large amount of data in its memory and retrieves then when you are required. देखिए कंप्यूटर के अंदर अगर अब एक बार में डेटा को सेव कर दीजिएगा ना, तो परमानेंटली सेव हो जाता है, और अब जब चाहे रिट्रीव के मतलब होता है निकालना, अब जब चाहे जब पुनः उसे निकाल सकते हैं सर्च करते हैं कंप्यूटर में, हम लोग सर्च करते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए इसके पास बहुत बड़ा मेमोरी होता है, बहुत सारा डेटा को यह स्टोर कर सकता है। आपको बताया कि इससे पहले पहला पार्ट में बताए थे कि डेटा आपका एवरीथिंग, डेटा सब कुछ होता है। आपका डेटा नंबर भी हो सकता है, अल्फाबेट भी हो सकता है, पिक्चर मूवी कुछ भी हो सकता है डेटा आपका, है ना। तो एक बार आप सेव कर दीजिएगा तो सर्च करके फिर से निकाल सकते हैं। आजकल देख रहे हैं कंप्यूटर का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है सभी जगह, यहाँ तक कि जमीन वाला जितना भी काम हो रहा है सब कंप्यूटर पर चढ़ता है। हम लोग कहीं पर भी जमीन खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, कुछ भी करते हैं, जब रजिस्ट्री कराते हैं ना, सारा उसका पेपर अब ऑनलाइन चढ़ता है, कंप्यूटर पर चढ़ता है। पहले क्या होता था जी, पहले रजिस्टर में लिखाता था, ठीक है, क्यों, लेकिन आजकल क्या है, रजिस्टर जो है चूहा लेकर चल गया, उधर काट दिया इधर काट दिया। लेकिन उसी से बचने के लिए कंप्यूटर पर सारा डेटा को चढ़ाया जाता है, ताकि भविष्य में फ्यूचर में जब भी जरूरत पड़े ना, तो आप उसे आसानी से सर्च मारकर डायरेक्ट आप कंप्यूटर में F2 बटन दबाइए, डायरेक्ट सर्च कीजिए, चाहे जैसे भी हो सर्च करके आप वो डेटा को जिस नाम से सेव किए थे वो नाम इंटर करके आप पुनः उसे निकाल सकते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर ये तीसरा गुण जो है लार्ज मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, बहुत सारा डेटा को आप स्टोर करके कंप्यूटर में रख सकते हैं। ये चौथा गुण हम लोग देखते हैं डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब होता है परिश्रमी, मेहनती, ठीक है। ये कंप्यूटर का चौथा गुण होते हैं। ये कंप्यूटर वर्क्स टायरलेसली फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना। कंप्यूटर जो है वो काफी लंबा समय तक बिना थके हुए काम कर सकता है। हाँ जी हाँ, बिना थके हुए काम कर सकता है। लेकिन हम लोग अगर कोई काम दे देना 10 घंटा लगातार कोई काम आपको दे दे या हमको दे दे, तो हम लोग क्या करेंगे, थक जाते हैं, है ना। उतना ही देर में ब्रेक लेते हैं, टॉयलेट जाते हैं, खाना खाने के लिए खोजते हैं, कुछ भी, भूख लग जाता है, प्यास लगता है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा गुण है डिलीजेंस का,
जो कि बिना थके हुए बिना ब्रेक लिए हुए 24 घंटा कंप्यूटर काम कर सकता है, जितना काम आप दीजिए उतना कर देगा, 24 घंटा काम कर सकता है बिना थके हुए, ठीक है। यह अनलाइक ह्यूमन बींग इट नेवर फील्स बोर्ड और गेट्स टायर्ड, यह ह्यूमन बींग के जैसा हम लोग के जैसा कभी भी बोरिंग महसूस नहीं कर सकता ना कभी थकता है। कंप्यूटर्स कैन वर्क फॉर मेनी आवर्स कंटिन्यूसली विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट एंड विदाउट डिक्रीजिंग इट्स स्पीड एक्यूरेसी। देखिए कंप्यूटर कभी भी लगातार ये काम करता है, कंटिन्यूसली काम करता है, लगातार काम करता है, 24 घंटा भी आप दीजिएगा 24 घंटा काम करेगा, जितना काम इस कंप्यूटर कीजिएगा वो कभी नहीं मना करेगा आपको, कभी बोलता है क्या कि बस करो, नहीं कहता है, ठीक है ना, लगातार ये काम करता है। और ये इतना ही नहीं, इसका स्पीड भी काफी तेज होता है और साथ में अपना एक्यूरेसी भी बनाए रखता है, कभी गलती भी नहीं करता। सबसे बड़ा सोचने वाली बात है कि कंप्यूटर उतना तो लगातार काम करता ही है और दूसरा गलती भी नहीं करता। सोचिए हम लोग से लगातार तो काम कुछ न कुछ जरूर गलती कर देंगे, लेकिन ये कभी भी गलती नहीं करता, ठीक है। तो ये हमारा चौथा गुण था। और लास्ट गुण हम लोग देखेंगे कंप्यूटर का, पांचवा गुण और भी है लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पांच गुण जो हम बताएं ये सबसे ज्यादा सबसे मेन है। पांचवा वर्सेटिलिटी मतलब होता है चंचल, कंप्यूटर काफी चंचल होते हैं, जैसे आज के बच्चा देखते हैं बहुत चंचल होते हैं, है ना, बच्चा छोटा सा जन्म लेगा पहले डायरेक्ट मोबाइल ही लेगा, डेढ़ दो साल हुआ कि डायरेक्ट आपको मोबाइल ही लेगा, उसको मोबाइल छीन लीजिएगा ना कर देता है बच्चा, रोने लगता है। सोचिए तो जरा सा हम लोग का युग में क्या था कि छोटा बच्चा आज की डेट में डेढ़ साल दो साल का बच्चा होता है या बच्ची होते हैं, ठीक है ना, तुरंत मोबाइल, मोबाइल में डायरेक्ट आपको गेम निकाल देगा, ठीक है, वो गेम निकाल देता है, यूट्यूब खोल देगा, सोचिए कितना दिमाग होता है उसके पास। लेकिन हम लोग के पास उस टाइम के में था क्या, नहीं था। तो आज का जनरेशन कितना ज्यादा डेवलप हो गया आप देख रहे हैं, तो उसी प्रकार कंप्यूटर भी क्या होता है, चंचल होता है, ठीक है। उधर क्या देख रहे हैं, इधर देखिए, इट इज वेरी पावरफुल फीचर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का सबसे शक्तिशाली गुण होता है, है ना, इन दिस यू परफॉर्म मोर देन वन जॉब एट द सेम टाइम। आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा गुण होता है जिसमें एक से अधिक काम कंप्यूटर से पर ज्यादा कर सकते हैं।